हेलो, नमस्कार जी। जय माता की। जी मैंने आपकी वीडियो देखी थी साहब, तो उसी में नंबर लिया है। अच्छा हाँ, तो मैं पंडोखर धाम जाता रहता हूँ। हाँ अच्छा जी, तो कितनी बार गए मुझे 7 बार, 6-7 बार हो चुका हूँ मैं अब तक। हैं? अच्छा, तो आपका काम हो गया? देखिए मैं आपको बताऊं कि काम तो जब हो वहां पे सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि मुझे 6-7 बार मैंने मेरी जॉब तक छूट गई, उसके चक्कर में जाते अच्छा, जाते। आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम प्रवीण है, कहाँ से बोले हैं? मैं मथुरा से। अच्छा, प्रॉपर मथुरा से। अच्छा, जी तो ऐसा क्या हुआ था? काहे की जॉब करते थे आप? मेरी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। हाँ, अच्छा। मैंने वीडियो वगैरह देखी थी यूट्यूब पे, तो हाँ मुझे उन्हें देख करके मेरे दिल में उत्साह पैदा हुई कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। जी, तो मैंने सोचा, प्लानिंग बनाई मैंने कि चलो चलते हैं वहाँ पे। अगर ऐसा है, मैं गया था सरकारी जॉब के चक्कर से, वहाँ कुछ घर में परेशानियाँ थी, तो मेरे साथ गलत तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मैं समझ चुका था वहाँ का सिस्टम, तो मैं आ गया वहाँ वहाँ से लौट के वापस। अच्छा तो मगर मेरा टाइम इतना खराब करवा दिया उन्होंने, अभी तक पैसे पर्चियां कटवा ली, वहां पे डरा रहा मैं 8 8 10 10 दिन, लौट आया फिर चला गया महीने में 2 2 बार, मगर मेरी मुलाकात तक नहीं हुई। अच्छा शुरुआत आपकी कब से हुई थी? 2 जून से 2 जून 2022। जी तो आप पहली बार वहाँ 2 जून गए थे, तो जी फिर वहाँ क्या सिस्टम क्या रहा? मतलब आपको कोई रसीद कटानी पड़ी या हाँ, रसीद बोली थी मुझे कटाने के कितने लिए, की? तो उसमें कोई 2100 के कटा रहा था, कोई 1100 की, कोई 500 रुपए की। तो हाँ मैंने फर्स्ट टाइम कटाई थी 500 रुपए की। अच्छा तो वहां बताया गया मुझे कि 1 से 1.5 महीने के समथिंग तुम्हारा नंबर आ जाएगा। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, अमावस्या के टाइम आना है, तो मैंने हाँ कहा हाँ ठीक है। तो अमावस्या जैसी आई, मैं 1 महीने रुक के मैं गया, मैंने कहा ऐसा ना हो कि नंबर निकल जाए। हाँ वहां गया तो वहां पे कुछ नहीं, उन्होंने बोल दिया कि अभी तुम्हें टाइम लगेगा ये महीना, और देखो अगली अमावस्या पे आना है तुम्हें। हाँ फिर मैं वो अगली अमावस्या आई, फिर उस पे गया, फिर भी नंबर नहीं आया मेरा, फिर मुझे आगे के लिए बता दिया गया। फिर जो अमावस्या आई उस पे गया, उस पे भी मेरा नंबर नहीं आया। फिर अच्छा ये रक्षाबंधन पड़ गया बीच में, तो हाँ रक्षाबंधन में तो घर पे त्योहार मनाती हैं, हाँ हाँ तो मैं त्योहार के चलते वो अमावस्या पे नहीं जा पाया मैं। तो मैं गया उसके जैसे त्योहार निकलते ही तुरंत ही, तो हाँ वहां पे बताया कि तुम्हारा नंबर निकल गया। अच्छा, निकल गया। हाँ निकल गया, अभी निकला है। मैंने कहा तो कैसे करके महाराज से मेरी मुलाकात करा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो गया, कई बार आ चुका हूँ, काफी पैसा भी लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, बैच डल गया, तुम्हारी पर्ची का नंबर निकलेगा तो निकलेगा, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, तो उसमें एक और मूव वाला, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, उन्होंने मेरे गले शर्ट का गलेमान पकड़ के नहीं पीछे खींच लिया। अरे हाँ इस तरह से तो बदतमीजी से तो पेश आते हैं वहां पे। ओहो, तो मैंने वहां से चला आया, मैंने कहा कुछ तरीका तो बता दो मुझे, कुछ नहीं हो सकता, तुम दोबारा पर्ची कटाओ। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब यार नहीं हो पाया तो अगली बार मैं टाइम से आऊंगा, अगर त्योहार फ्योहार देखा जाएगा। फिर मैंने 2100 रुपये की पर्ची कटाई दोबारा। अच्छा, तो पर्ची जो आपने पहले वाली कटाई, हाँ पहली वाली तो वो कैंसिल ही हो गई। नहीं तो उसके आपके पास वो है कुछ? हाँ उसका प्रूफ है मेरे पास में, पर्ची रखी हुई है। मगर ऐसा हुआ था साहब कि मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं अभी आया हूँ, कल ही आया हूँ मैं वहां से, हाँ तो मुझे गुस्सा इतनी आ गई कि मैंने पर्चियां वो फाड़ दी, मगर मैंने फेंकी नहीं क्योंकि उसमें, तो भी बाद में मुझे एहसास हुआ हनुमान जी ने कहा उसमें वो छपा हुआ था, तो हाँ इसलिए मैंने फेंकी नहीं वो, मैंने अपने पास ही रख रखी है। अच्छा भी है, ठीक हाँ है। फिर 2100 काटी फिर? फिर 2100 की मैं कटवाया आया इसको। फिर हाँ वहां से मैं हर हर महीने जाता रहा मैं, हाँ अब तक चला गया। अब ये दिवाली पड़ गई, ये था क्या बोलते हैं, ये औरतें रहती हैं व्रत, किसका रहती है, करवा चौथ, करवा हाँ चौथ के व्रत पे मैं गया करवा चौथ वाले दिन के। महाराज जी मैंने फोन किया था सभी के पास में, जितने भी नंबर थे मैंने नेट से नंबर लिए इनके, सभी ने बोल दिया ठीक है तुम्हारा नंबर आ जाएगा आ जाओ। मैंने कहा देखो दरबार बंद होने के लिए, ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और मुझे लौट के आना पड़े, नहीं तुम्हारा नंबर आ जाएगा। वहां बुला लिया, ऐसे करके बुला लेते हैं हर बार भीड़ की वजह से, कि भीड़ तो भी इकट्ठी हो फिर उसकी वीडियो बनवा लेते हैं।
मैं वहां गया और इंतजार किया, वेट किया, कुछ नहीं, और बोलिए का दरबार बंद हो गया। हाँ और वहां पे ले ही नहीं रहे थे, वहां पे तो क्या माना यार, 41,000 से कोई नीचे वाले उनको तो देखते ही नहीं है। वहां हाँ पर ये सिस्टम है, जिन्हें तो जब देखते हैं क्या 1 घंटे भर के लिए देख लिया तो देख लिया, नहीं तो नहीं, ऐसा सिस्टम बना रखा है। अच्छा हाँ, फिर वहां से मैं वापिस आ गया, मैंने कि अब नहीं दरबार लग ही नहीं रहा है तो फिर क्या करें। तो फिर ये दिवाली पड़ गई, दिवाली पर अमावस्या आई थी, दिवाली के टाइम पे मैं जा नहीं पाया क्योंकि दिवाली हो जाती है, गोवर्धन पूजा पे भैया ध्वज आ जाती है, फिर इतना करके मैं फिर गया मैं वहां पे, तो बोल दिया तुम्हारा नंबर निकल गया है। अरे हाँ, मैंने बोला मैंने कि साहब अब देखो अभी तो वो अमावस्या आई है नहीं, 2 दिन दरबार लगा था और 1-2 दिन तुम्हारी परीक्षा देगी। मैंने अब वहां पे मेरे जैसे तमाम थे जो कि बेचारे हाथ जोड़ रहे थे किसी का, मैं वहां पे आज 5 दिन रुक के आया, ओहो अब इतना पैसे भी नहीं लेके गया मैं कि वहां से 5 दिन या 6 दिन के लिए, मुझे तो ये था कि अब नंबर आ ही जाएगा, इतना पैसा भी नहीं था मेरे पास में। वहां पे पड़ा रहा मैं 5-6 दिन, और 5-6 दिन रुकने के बाद में वहां से फिर वापिस ही आना पड़ा मुझे, और सब बदतमीजी से बात करते हैं, कुछ नहीं, बेकार है सब कुछ वहां पे। और फिर मैंने दोबारा कोशिश यूं नहीं की मैंने, क्योंकि वहां पे जो भी देख रहे थे कैसी पर्ची हो, वहां पे हवन लिखा रहे थे और वो रामायण लिखा रहे थे और नारियल वंदन अटरम जटरम क्या क्या, उसमें पैसा कम से कम एक बार बंदा फंस गया वहां पे, तो वो पड़ रहा था 70-80 हज़ार रुपये में। ओहो तो 70-80 हज़ार जब मैंने देखा कि छोटी छोटी कोई ना तो किसी परेशानी के लिए भी जाए ना, ना तो किसी उसके लिए भी ये प्रोसेस बताया जा रहा था, फिर ये देखा मैंने वहां पे, सोचा समझा मैंने मैंने कि यार जब 70 हज़ार रुपये ये छोटी छोटी बातों के लिए बता रहे हैं, और एक प्रश्न से ज्यादा कोई दूसरा प्रश्न है टिकने नहीं देते हैं, भगा देते हैं। अच्छा हाँ, पूरी बात नहीं करने देते हैं, तुरंत भगा देते हैं, और जो दरबार लगाते हैं उस जगह पे उन लोगों को लिया जाता है, जैसे कि पहले दरबार यहाँ पे अंदर कमरे में बुलाते हैं, कमरे में ले लेते हैं, कमरे में से जो अच्छा वो होगा कि दरबार लाग है ये बंदा, उससे बोल देंगे कि ठीक है तुम दरबार में मिलना। हाँ, दरबार के लिए छोड़ देते हैं और बाकी किन्हें वहीं के निपटा देते हैं। दरबार में जब वीडियो लाइव चलती है तो उस समय उन्हीं बंदों को लिया जाता है जिनसे बोल दिया जाता है। अच्छा हाँ, तो अच्छी वीडियो बने, ये प्रोसेस वहाँ का बहुत सिस्टम खराब है। मेरा तो कम से कम 15,000 15-20 हज़ार रुपये लग गए किराए भाड़े समेत, बहुत वो तो जब परेशान हो इतने गया। दिनों बाहर रुक गए, इतनी बार गए तो लग गए हाँ, होंगे। इतना परेशान है कैसे भी करके महाराज, हमें मुझे तो इतना नहीं है खैर, क्योंकि चलो ठीक है, पर ऐसा करो पब्लिक इतना परेशान है वहां पे, जा रहे हैं रो रहे हैं बेचारे, क्योंकि जो फंस जाते हैं एक बार फंस रहा है वो रो ही रहा है, वहां से वापिस नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कत है, हाँ, बहुत दिक्कत है, इतना मामला सिस्टम खराब कर रखा है वहां का बहुत। ये तो इसीलिए हम वहाँ वीडियो डाल रहे हैं कि लोग कम से कम महसूस करें। तो वहाँ बहुत लोग जाना बंद हो गया है। हाँ, अच्छा आप ये बताओ, जो आपने अभी बोला वहाँ इतना परेशान हुए, तो जी ये मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, तो जी मैं इसको वीडियो बना के डालूंगा, तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसलिए कि देखो, बगैर पूछे तो आप फिर नहीं डालेंगे, आप हाँ कहेंगे तभी डालेंगे। पर ये जब आप इतना परेशान हुए, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक वो बात पहुंचाएं, जिससे दूसरे तो कम से कम बचें। जी तो इसके लिए आप हमें एक अपनी फोटो और वो दोनों जो पर्चियां हैं, तो जी उनको आप एक अच्छे से रख के उन्हें चाहे टेप से चिपका लो, पीछे से चाहे जो कर दो, और उसकी फोटो दोनों की। जी फोटो फोटो तो साहब, वो पर्चियां तो मैं दे दूंगा, फोटो देने में थोड़ी सी कुछ आप ये कर बताओ, करवा दिया, कुछ करवा नहीं दिया उन्होंने तो एक फिर सेकेंड, परेशानी है। अगर आपका जो काम नहीं करवा पाए तो आपको और क्या करवा देगा? नहीं, वो करवा तो नहीं देगा, अब देखो उसकी लिंक बहुत है, बदमाश टाइप सब तरह एक के होगा सेकेंड वो। एक सेकेंड एक सेकेंड, हमारी भी फोटो जाती है, हमारा तो नंबर भी जाता है, आपका कोई नंबर थोड़े देंगे हम। हम केवल आपकी फोटो और वो रसीदें, क्योंकि रसीद इसलिए कि वो प्रमाण है कि आप वहां। नहीं, हाँ सर, रसीद तो मैं दे दूंगा, रसीद की तो मैं बोल रहा हूँ, और रसीद है फोटो मेरे पास इसलिए कि में। कौन व्यक्ति गया। जी वहां पे तो वो इनकी मीडिया वाले लगे हुए हैं, वो वहां पे वीडियो बना रहे थे, तो उस समय मैंने आ गया वहां पे वीडियो में, मैंने बोलना चाहा, तो मेरी वीडियो क्लिप है वो तो डाली नहीं नेट पे,
मुझे पहली डाली वीडियो वो? बनाई थी। हाँ वो वीडियो तो तुरंत डाल दी, अपलोड कर दी 15 मिनट बाद, तुरंत अपलोड। मैंने यूट्यूब पे देखा, तुरंत अपलोड। और हाँ मेरी वीडियो थी जो बनाई थी, मैंने बोला था वो वीडियो नहीं डाली थी, वो सब क्यों डालेंगे, मैंने, उससे हाँ तो सब उनका नुकसान है मैंने ना, जी और इसलिए कि दूसरे फिर उसको देख के भड़क जाएंगे तो जी इसलिए नहीं डालेंगे। हाँ और माइक भी छुड़ा लिया मुझसे। वो सब ऐसे करेंगे वो, क्योंकि वो तो बंधे बंधाए हैं ना, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करो, कहीं कुछ नहीं होता है भाई। आपने, आप एक चीज बताओ, आपने, आपसे पैसे लिए हैं कि नहीं लिए, जी लिए हैं, आप इतने दिन वहां टाइम बर्बाद किए हैं कि नहीं किए? बहुत टाइम बर्बाद हो गया तो जब मेरा इतना सब कुछ कर लिया और इसके बाद ही हम खाली हाथ ही तो आ गए, जी। आप तो कह रहे नौकरी भी हमारी चली गई। हाँ नौकरी क्यों चली गई? हम वहां पर जाते जाते क्या करें, हम वहां पर वाह इतनी छुट्टियां नहीं देते हैं ना, भगा देते हैं, दूसरा दूसरा बंदा रख लिया मेरी जगह पे। तो मतलब ये तो आपका, आपके साथ तो बहुत लंबा ट्रेजेडी हो गई ना। मुझे तो आप जॉब मिल भी नहीं रही है, अब बड़ी मुश्किलों से तो वो जॉब थी अब वो भी छिड़ गई। तो जब आपको तो उन्होंने रोड पे ला दिया, वही तो जी तो आप बिल्कुल चिंता न करो, आप अपनी फोटो और रसीदें मुझे आप भेजो, ये मेरा ओके व्हाट्सएप नंबर है। हाँ ओके ओके जय माता की। जय माता।